मकर संक्रांति से आपकी किस्मत कितनी बदलने वाली है, क्योंकि इस बार साल 2024 की मकर संक्रांति बहुत ही ज्यादा खास है। इस दिन कुछ दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है जो कुछ राशियों का भाग्य चमका देगा। कैसे है आपके भाग्य की लकीरें, इस साल कैसे होगी आपके ग्रहों की दशा, और इसी को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आचार्य डॉक्टर पारुल चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य डॉक्टर पारुल चौधरी इस खास पेशकश में, और ये बताने के लिए कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है, इस दिन क्या दान किया जाए, क्या पहना जाए, कैसे मंत्र का उच्चारण किया जाए। तो शुरुआत सबसे पहले ये करते हैं कि मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है, इसकी कहानी क्या है। ये जो हमारे शनि देव हैं, पहले तो ये जो अनूठा रिश्ता जो माना गया है, ये पुत्र और उनका पिता का है। शनि देव और सूर्य देव के अच्छे संबंध नहीं माने जाते, सभी को पता ही है ये बात। लेकिन आज के दिन सूर्य देव जो थे अपने पुत्र शनि देव और अपनी पत्नी से मिलने उनके घर पहली बार गए थे, इसीलिए यह मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन शनि देव ने अपने पिता का स्वागत काले तिलों से किया था, इसीलिए काले तिल का दान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। शनि देव खुश होते हैं, एक महीने के लिए सूर्य देव जो है अपने पुत्र के साथ और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, और इस टाइम पे पुत्र और पिता का जिसके भी संबंध अच्छे नहीं है, बहुत ही अनूठा सा एक रिश्ता बताया गया है। अच्छा ही रिश्ता होता है, एक गाइडेंस देने वाले हमारे पिता ही होते हैं, हमारी घर की जो मेन छत है पिता से ही होती है। लेकिन जो शनि और सूर्य का अच्छा रिश्ता नहीं था, वो कहीं ना कहीं से ना जो एक नंबर वाले होते हैं जिनकी मेष राशि है या फिर जो भी लोग कुंभ राशि के हैं, वो कहीं ना कहीं पिता से प्रेम के मामले में ना अपने आप को अनलकी ही मानते हैं। अच्छा। लेकिन अब ये बहुत ही बढ़िया संयोग, दुर्लभ जो संयोग बन रहे, क्यों बोले गए हैं, 77 सालों के बाद आज सोमवार के दिन ही हमारी मकर संक्रांति का दिन आया है, और आपको शनि के साथ साथ हमारे बाबा यानी महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसे कि आप सबने देखा होगा, पहली जनवरी भी हमारी एक सोमवार को ही आई थी, मकर संक्रांति भी सोमवार को आ रही है, तो यानी शनि के साथ साथ महादेव भी आपको देखे जाएंगे। शनि देव कर्मों की सजा देंगे, तो महादेव बैलेंस जरूर करेंगे, डरने की बात नहीं है। थोड़ा सा ठंडा रखिए अपने घर के माहौल को, अच्छी रहेगी। कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है मकर संक्रांति, कुछों के लिए सामान्य रहेगी, लेकिन गंदी किसी के लिए नहीं है, खराब किसी के लिए नहीं, हम बोल के जाएंगे, अच्छी रहेगी। 14 ना होकर इस बार 15 तारीख क्यों है, क्योंकि रात को रात्रि के समय 2:42 पे जो है सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम सूर्य उदय की तिथि में मनाते हैं अपने सारे त्यौहार हम हिंदू धर्म के अनुसार, तो हम 15 को मनाएंगे, हम रात को नहीं मनाएंगे। सुबह आप 7:15 से लेके आपको सुबह 8:07 तक आप ये त्यौहार मना सकते हैं, दान कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान ज़रूर करना, आज के दिन स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है। लोग गंगा स्नान करते हैं, जिनके घर में पितृदोष होते हैं, संतान नहीं हो रही है, सबसे पहली बात संतान के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आज का जो दुर्लभ संयोग क्यों माना गया है, एक तो रवि योग बन रहा है, अच्छा। दूसरा वरियान योग बन रहा है, दो बहुत बड़े योग बन रहे हैं। वरियान योग हमारा कब बनता है, जो शुक्र और कुबेर जी दोनों एक साथ विराजमान होते हैं, तो वरियान योग बनता है, यानी कि पैसों की भी बौछार आने ही वाली है। मकर संक्रांति इस बार धन जरूर देके जाएगी, सबको देके जाएगी। तो मतलब कि 15 तारीख को क्यों हो रहा है, और रात के 8:00 इसका मुहूर्त, सुबह के 8:00 रात्रि 2:42 पे रात्र को ट्रांजिट हो जाएंगे हमारे। अच्छा। सूर्यदेव मकर राशि में आ जाएंगे, इसीलिए हम रात को नहीं मना पाएंगे। रात को उठ के तो आप त्योहार नहीं मना सकते, दान नहीं कर सकते, ऊपर से हमारे तो हिंदू संस्कारों में भी नहीं है ये चीजें, तो हम सुबह 8:00 करेंगे। सुबह 7:15 तक, सुबह 7:15 से 8:07 तक का अच्छा मुहूर्त है, जब आप पूजा पाठ कर सकते हो। जो घर की महिलाएं हैं सुबह उठ ही जाती हैं, आजकल तो बच्चे भी उठे होते हैं सुबह स्कूल के टाइम पे भी, आप अपना दान पुण्य जो भी है निकाल के रख दो, चाहे आप बाद में उसको देते रहो, लेकिन अपना जो आपने दान जो भी देना है उसको आप मंदिर में साइड कर दो, जोत जगा दो, दीपक जगा दो, जिसका जैसे भी पूजा करने की विधि होती है आप उसी दौरान कीजिए। लेकिन मेन तो है स्नान करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग गंगा स्नान आज के दिन नहीं कर सकते हैं, अपने जल में गंगा जल डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, फिर स्नान कीजिए, पितृ दोषों से मुक्त होंगे, निजात होंगे। जिसकी भी कुंडली में इस टाइम पे शनि दोष है, जिसके भी साढ़े सती के योग बने हुए हैं या अंतरदशा में चल रहे हैं शनि, वो भी ज़रूर काले तिलों का दान कीजिए। काले तिल और गुड़ से बनी भी कोई भी चीज़ वस्तु
या फिर आप खुद बना सकते हैं अपने घर में। देखिए मैं तो बोलती हूँ खुद बनाइए, उतना अच्छा होता है, बाजार से लेने से अच्छा। लेकिन जो लोग नहीं बना सकते वो लेके गुड़ और काले तिल का दान जरूर करिए आज के दिन। बिल्कुल। अच्छा, अब दान में, अब ये सबके मन में ये सवाल हो रहा होगा, दान की आपने बात कही, टाइमिंग बता दी, मुहूर्त बता दिया, तो दान में क्या दान किया जाए? दान में देखिए, आप दान मैंने बताया जैसे कि तिल का बहुत महत्व है, क्योंकि शनि देव के तिल माने जाते हैं, उनका एलिमेंट ही तिल है, काले तिल है, काली उड़द है दाल, या फिर आप ऊन से बने हुए ऊनी कंबल जो होते हैं काले रंग के, आप वो दान कर सकते हैं। गुड़ से बनी आप खीर बना सकते हो, वो दान कर सकते हो। गुड़ से बना आप कोई भी मिठाई बना के, गच्चक होती है, मूंगफली हो गई है, आप दान कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, आप दान कर सकते हो, क्योंकि सूर्य देव को हम गुड़ से लेकर करते हैं, कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, उनका एलिमेंट गुड़ माना जाता है, तो हम गुड़ का इसलिए दान का एक महत्व बताया गया। हम संडे को जो होते हैं मेनली, जिनका सूर्य खराब हो, हम बोलते हैं गुड़ दान कीजिए, या अपने पिता को गुड़ खिलाइए। सबसे पहले पिता के साथ संबंध अच्छे करने इस साल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो पहले बोलूँ कि शनिदेव तो हमारे इस बार राजा हैं, तो पूरा साल ही जिनकी पिता से नहीं बनती, लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। ठीक है, कईयों कटुर लगते हैं उनके वचन, लेकिन कोशिश कीजिए बड़ा समझ के थोड़ा 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 कंट्रोल कीजिए। मतलब अपने माता पिता, मैं तो माता का भी नाम इसलिए लूँगी क्योंकि इस बार हमारे महादेव चंद्र राशि के भी कहीं ना कहीं अंश आ रहे हैं, तो हमारी माता के साथ भी लोगों की देखना बहुत गड़बड़ रहेगी। पहली तारीख से लोग कुछ नोटिस कर रहे होंगे, उनकी माताओं से झगड़े होने स्टार्ट हो गए होंगे, तो ये आपने देखा होगा, जिनके हो रहे वो नोटिस कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा। तो अपने माता और पिता दोनों का सम्मान करना इस साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई उपाय करो ना करो, कर्म अच्छे रखो, सबसे बड़ी बात कर्म अच्छे, कर्म कहाँ से आप अच्छे रखते हो, घर से अच्छे रखते हो, तो बहुत ज़रूरी है। माँ खुश है, पिता खुश है, बच्चे खुश हैं, बीवी खुश है, पति खुश है, तो यानी आपके सारे ग्रह, मैं बोलूंगी नवग्रह हमारे घर में ही है। बिल्कुल सही बात, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इस बार जो हमारी मकर संक्रांति माँ आ जो देवी आ रही हैं, वो दिख रहा है, वो काले कपड़ों में आ रही हैं इस टाइम पे। इस बार के हमारे कपड़े भी काले हैं। लोग बोलते हैं काले से दूर हो, अशुभ है, अशुभ नहीं है, नेगेटिव नहीं होते काले कपड़े, कभी भी नेगेटिविटी आपकी गेन करते हैं वो, तो इसलिए हम बोलते हैं काले कपड़े अवॉइड करो, कि आप चार लोगों में बैठे हैं तो उनकी नेगेटिविटी आप गेन करके अपने घर पे लेकर आते हो, इसलिए मना करा जाता है। लेकिन काला इस टाइम पे माता रानी पहनकर आ रही हैं वस्त्र, और उनका जो शस्त्र है वो भाला है। अच्छा। और माँ अश्व पे आ रही हैं, तो शुभ माना जाता है, तेजी से माना जाता है अश्व पे, जब घोड़े पे आते हैं, यानी राजनीति के लिए अच्छा रहेगा सबसे बड़ी बात। दूसरा, जो भी लेखन कार्य करते हैं, मीडिया से रिलेटेड लोग, राइटर लोग, उनके लिए मकर संक्रांति तो बस बल्ले बल्ले करके जाएगी। तो अच्छा, ये सूर्य भगवान की पूजा होती है मकर संक्रांति दिन, तो क्या जल ग्रह देना भी होता है सूर्य भगवान? जल जरूर देना। अच्छा। बस स्नान कीजिए आप। हाँ। तो आपने तांबे का अपने लोटा लेना है, तांबे के लोटे में आपने थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है, और सूर्य देव का कोई भी आप मंत्र जाप करके ओम सूर्योदय नमः भी कर सकते हैं, फिर आप आदित्य स्त्रोत्र का हृदय पाठ भी कर सकते हैं। आप उस टाइम पे जल दीजिए, लेकिन जल सुबह ही दीजिए, 12 बजे उठ के आप जल दे रहे हो उसका कोई प्रावधान नहीं होता, उसका कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग 12 बजे उठ के दे रहे हैं, कुछ लोग 11 बजे दे रहे हैं, वो नहीं कीजिएगा। जितना हो सके सुबह उठ के सूर्य उदय से पहले ही जल का, मेन देखिए मेन दिन ही सूर्य का है। बिल्कुल। तो आप सूर्य उदय से पहले ही जल दीजिए, वो बहुत ही बेटर रहेगा, और आपको फल बहुत अच्छे देखे जाएगा। जो बच्चे करियर में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं बोलूँगी आज से ही आप लोग ना मकर संक्रांति से एक नियम बना लीजिए, आपको रोज सूर्य को जल देना है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, मतलब मैं तो ये लगा लीजिए एक महीने से यही सुन रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब मैम कब मिलेगी, तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं है जितने कैंडिडेट्स आ गए हैं हमारे पास। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को मैं एक ही उपाय बताऊंगी, जरूर जल देना, एक ही नियम रखना, एक ही टाइम देना है, सुबह 8 बजे तो 8 बजे, 8 से 8:05 नहीं करना, 8 से 8:06 नहीं करना, यही नियम बना के आपको जल देना है, रोज देना है, यही गुड़ थोड़ा सा डालना है, कुमकुम डालना है, और जल देना है। जल देते हुए आपको जो उनका सूर्योदय का मंत्र आपको जाप करना है, जल की छींटे आपके पैरों पे नहीं आनी चाहिए, ये भी बहुत ध्यान रखना है आपको। अच्छा। आपके पैरों पे कभी छींटे नहीं आनी चाहिए जल की, फिर आप जल दीजिए और प्रॉपरली अपनी अपनी जो है सूर्य उदय से आप बात कीजिए, सूर्य देव से बात कीजिए, आपको देखो नौकरी भी मिलेगी, सरकारी नौकरी का उपाय मैं आज स्टार्टिंग में आपको देके जा रही हूँ। बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब राशियों की बात कर लेते हैं डॉक्टर पारुल, क्योंकि मकर संक्रांति से बनने वाला योग आपके जीवन की दिशा बदल देगा। हम आपको मकर संक्रांति के शुभ संयोग बताएंगे और साथ ही
क्या कह रही है, आपकी भाग्य दशा क्या है, आपके ग्रहों की दशा कैसे बदलेगी आपकी किस्मत, जानते हैं। डॉक्टर पारुल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मेष राशि तो बहुत ही जरूरी है, दसवें भाव में उनके बैठे हुए हमारे सूर्य देव, यानी कि व्यवसाय और करियर में, और इस बार मकर संक्रांत मेष राशि को बहुत ही कुछ देके जा रही है, बहुत कुछ नहीं मैं तो बोलूंगी अनलिमिटेड देके जा रही है। भाई बहन से झगड़े खत्म हो रहे हैं, शत्रुओं का नाश हो रहा है आपके, और आप जितने अच्छे रिश्ते रखेंगे ना उतना ही आपके लिए शुभदायक होगा। आपको दान करना क्या है, आपको कुछ दान नहीं करना, इतना ज्यादा नहीं करना, आपको छोटा मोटा एक बस मूंग की जो दाल होती है ना, ऑरेंज वाली गुलाबी दाल, आपको वो दान करनी है। आप आज के दिन उसको कुछ भी बना के दान कर सकते हो। लेकिन मेष राशि में बोलूंगी करियर में सफलता जरूर मिलेगी, प्रॉपर्टियों के जितने भी फंसे हुए काम थे आपके होने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा मतभेद जो आपका रहने वाला है अपनी औलाद के साथ रहेगा, संतान पक्ष से आप परेशान रहते हुए मुझे दिख रहे हो थोड़े से, शत्रुओं का लेकिन नाश होगा आपके आगे, आपके बल के आगे इस बार कोई बोल नहीं पाएगा, चलने वाली है। मतलब एक मेष राशि में बोल के जाऊंगी आज, एक सिंह राशि और एक वृषभ राशि बहुत ही बढ़िया रहने वाली है इन तीन राशियों के लिए, मकर संक्रांत सबसे ज्यादा इनके लिए फायदेमंद रहेगी। मेष राशि, अब वृषभ राशि की भी बात कर, हाँ जी बिल्कुल कर लीजिए। वृषभ राशि के लिए मैं बोलना चाहूंगी करियर के लिए ठीक है, थोड़ा सामान्य सा रहेगा, पैसा लगा सकते हो, जिनका स्टॉक मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, आजकल छोटे छोटे बच्चे स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में एकदम से भी मत लगाना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव रखना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हमको नहीं बिलीव रखनी। शनि का साल है, धैर्य रखिए, आराम से चलिए, लेजीनेस छोड़ दीजिए, लेजीनेस बहुत रहती है वृषभ राशि वालों को, सबसे पहले छोड़ दीजिए, आपको काम करने हैं और भाग्य आपका साथ देने वाला है, लक भी साथ देगा, शनिदेव भी साथ देंगे, सूर्यदेव भी साथ देंगे इस महीने, तो आपके तो बहुत ही बढ़िया आपका काम चलेगा। आपको जो दान करना है इस बारी, आपको दान करना है सफ़ेद चीज़ों का, सफ़ेद कपड़े हो सकते हैं, सफ़ेद खीर हो सकती है, सफ़ेद मिठाई हो सकती है, या फिर आप दूध का भी दान कर सकते हैं आज के दिन। ठीक है, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, और मिथुन राशि के लिए कैसे लाभदायक है, और साथ ही स्वास्थ्य, जिनका मिथुन राशि है उनके स्वास्थ्य पर कैसा इफेक्ट करेगा। मिथुन राशि का स्वास्थ्य बहुत ही समय से खराब चल रहा है, और इस बार तो वैसे भी शनिदेव आए हैं तो स्वास्थ्य की तो स्पेसिफिकली उनको प्रॉब्लम रहेगी, इनका स्वामी हमारा बुध होता है। कम्युनिकेशन से करने वाले काम, जितने भी आप वार्तालाप करते हो, बोलते हो, स्पीकर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर आप जुड़े हो मीडिया लाइन से जुड़े हो, एंकर हो, जिसका भी बुध है ओवरऑल स्वामी, और उनको इस टाइम पे हरी सब्जियों का दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हरी सब्जियों का सेवन करना ज़रूरी है। मैं बोलूँगी इस बार आपको अगर दान करना भी है ना तो आप खीरे का दान ज़रूर कीजिएगा, भले ही मकर संक्रांत है लेकिन आपकी सेहत मुझे इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स अभी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मतलब आप लोगों की कहीं ना कहीं खटपट रहेगी अपनी सास से, ससुर से, ससुराल पक्ष का साथ नहीं मिलने वाला मिथुन राशि वालों को, तो जितना हो सके बचिए, अवॉइड कीजिए लड़ाई करना, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बुध जो है ना इस टाइम पर इतना अच्छा नहीं है, तो उसको आप बेटर करने के लिए बोलूँगी, एक तो आप मैंने बताया दान कर सकते हैं, दूसरा आप तुलसी माँ की पूजा करनी स्टार्ट कर दीजिए, रोज आपको दीपक जलाना है शाम को उनके पौधे के आगे। और ऐसे ही कर्क राशि के लिए क्या है। जी बिल्कुल, कर्क राशि हमारी जो स्वामी है उनका चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं मेंटली इनबैलेंस रहते हैं ये लोग, डिप्रेसिव ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, चंद्रमा जबकि ठंडा रहता है। हाँ चंद्रमा ठंडा रहता है, लेकिन इसी वजह से तो आप मूढ़ी होते हो। अच्छा। कर्क राशि वाले मूढ़ी होते हैं सबसे ज्यादा, ये लोग जीवन साथी के टाइम पर आके ना अटक जाते हैं कि हम क्या करें, इनको फ्रेंड्स बताते हैं, सलाह देते हैं, इनके जो सोशल सर्कल होते हैं वो इनको बताते हैं कि हम क्या करें, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहिए, मींस ये ना डिपेंडेंट है। अच्छा। कहीं ना कहीं फैसले लेने का एक होता है ना लीडरशिप क्वालिटी, या फिर एक गट्स होते हैं हमारे अंदर, हम फैसला ले सकते हैं, जो इनमें नहीं है, जो सिंह राशि में है गट्स क्वालिटी जिसे मैं बोलूंगी, वो इनमें नहीं आ पाती है, कहीं ना कहीं से डिपेंडेंट रहते हैं। अच्छा आप बता दो, आप बता दो, तो रिलेशनशिप में भी फैसले मत लेना, जीवन साथी अभी मत चुनना, सोच समझ के आप आगे बढ़ना। रिलेशनशिप आपकी ठीक है, सामान्य है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेकार नहीं है, शादीशुदा लोगों के लिए ज़िंदगी ठीक है, लेकिन नया जीवन साथी अगर कि आप तलाश में जा रहे हो तो अभी मैं बोलूँगी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी आगे मत बढ़ना, थोड़ा संभल के आगे बढ़ो। लेकिन जो आपको दान करना है वो दान मैं आपको बोलूँ, चांदी का दान कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो अगर चांदी का दान, आज के दिन आपको चमकीले रंग के, सफ़ेद रंग के जो वस्त्र होते हैं आप वो दान कर दीजिए, पहने हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए,
कुछ नहीं कर पाओ तो बेटा बाबा का नाम लो और शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा कर आ जाओ, वही बहुत है आपके लिए तो, और ओम नमः शिवाय का वहाँ पे जाप कर कर आओ, लेकिन रूटीन बना लो, एक महीने तक करना ही करना है। रिलेशनशिप बेटर होगी, आपको जीवन साथी जल्द मिलेगा जिसे शादी करनी है। शादी के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय दे के जा रही हूँ, माँ पार्वती के आगे आपको गुलाब रोज लेना है, रोज में 2 कपूर रखने हैं, और आपको शिवलिंग पे जो हमारा पूरा जो पूरा परिवार होता है, सह परिवार होते हैं हमारे, हाँ, शिव जी, हाँ, उस टाइम पे आपको वहाँ पे माँ पार्वती के आगे रखनी है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, जिसको भी लव मैरिज करनी है उसके लिए भी। अच्छा। लव रिलेशनशिप में दिक्कत, पति पत्नी में दिक्कत, लव मैरिज करनी है या फिर जिसकी शादी नहीं हो रही है, यही उपाय कर लो, बहुत है आपके लिए। वहाँ पे आपकी जो भी इच्छा है माँ पार्वती के आगे बोलो, और माँ भगवान शिव जी के आगे, महादेव के आगे, मीन्स आदि शक्ति को आपने पूरा उनको सोचना है, आपने पूरा उनके जाप करने हैं, मन में आपको जो चाहिए मैनिफेस्ट करना है, बोल के वहाँ पे रखो। 9 आप ये शुक्रवार को कर लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा, बस सोमवार नहीं करना, शुक्रवार करना। लेकिन सिंह राशि के लिए कैसे लाभदायक है? सिंह राशि में ही इस बार जो रवि योग बन रहे हैं और वरियान योग बन रहे हैं, सिंह राशि में बन रहे हैं, बहुत ही बलवान रहने वाली है, संतान पक्ष से बहुत ही सुखी वातावरण मिलने वाला है, अटके हुए कार्य बनने वाले हैं सिंह राशि के। वैसे ही एक सिंह पे सवार रहती हैं, ये तो हमारी महिलाएं जानती होंगी, सिंह राशि में ऑलरेडी एक लीडरशिप की क्वालिटी रहती है, बहुत जल्दी फैसले लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। तबीयत आपकी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहेगा। इन्वेस्टमेंट कहीं आप प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बढ़िया रहेगी मकर संक्रांति, आपके धन लाभ होंगे, कहीं ना कहीं से मुझे लगता है आपको प्रॉपर्टी का फायदा भी होगा, आपको कहीं से अचानक धन लाभ जरूर होने वाला है। मतलब खुश हो जाए सिंह वाले, बहुत बढ़िया, खुश हो जाओ, उनके लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया बढ़िया रहने वाली है। उसके बाद कन्या और तुला राशि का भी फायदा बता दीजिए, और कैसे अगर कुछ उनके लिए नहीं भी ठीक है तो उसके लिए क्या करें वो? देखिए कन्या राशि के लिए मैं बोलूंगी आज के दिन आपको हरे रंग के कपड़े पहनने जरूरी है, अगर आप पूजा कर रहे हो तो। अच्छा। नहीं भी कर रहे हो, व्रत रख नहीं कर रहे हो, कर रहे हो जैसे भी आप कर रहे हो, कपड़े तो आप पहन ही सकते हो, हरे रंग के कपड़े पहनिए, बुध आपका स्वामी है, आज आपको खिचड़ी दान करनी चाहिए, लेकिन आपको खिचड़ी जो है गुड़ की नहीं करनी है दान, आपको हरी दाल की दान करनी है, यानी मूंग की दाल की, हरी मूंग दाल जो होती है उसकी दान करनी है खिचड़ी। और आपका जो भी अटका हुआ काम है, आपका अटका हुआ काम मैं बताती हूँ क्या है, वो है रिलेशनशिप, बहुत टाइम से खराब चल रही है, बहुत लोग ही खराब चल रही है, दूसरा करियर में भी प्रमोशंस रुकी हुई हैं वर्गो राशि वालों, कन्या राशि वालों की, लोगों ने बहुत बोला, कहीं ना कहीं से परेशानी है, शनि देव आए हैं, लोग डर गए, तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है, शनि हमेशा खराब नहीं करके जाते, दे के भी बहुत कुछ जाते हैं, और शनि जो है वर्गो राशि के साथ इतना उनका खराब संबंध नहीं है जो आपको बहुत कुछ लेके जाएंगे, धैर्य रखिए, जो क्वार्टर हाफ होगा आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, मेहनत करते जाइए, मेहनत का फल शनिदेव कोई भी राशि के हों दे के आपको जाएंगे, आपका नीच का शनि है, उच्च का शनि है, शनि क्या देखता है, मेहनत, सिर्फ शनि को पसंद कौन नहीं है, लेजी लोग, आलसी लोग, आलस्य जो है ना उनको पसंद नहीं है, वो कहते काम कर, मैं तू कर्म कर, मैं तेरे को देके जाऊंगा, हाँ। तो आप कर्म कीजिए, कर्म का मतलब ये नहीं कि इसको थप्पड़ नहीं मारना, गलत पे हम चुप करके बैठ जाएं, ये भी आपके कर्म खराब है, जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ बोल के जरूर जाना है, ऐसा नहीं गलत आप देखे जा रहे हो, कोई पिट रहा है तो पिट ही रहा और आप साइड से निकल गए, नहीं नहीं मेरे पे शनि आया क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को जेल ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। कन्या राशि के बारे में बता दें, कन्या राशि के मैंने बताया कि आपको आपको हरे रंग की खिचड़ी ही दान करनी है, हरे रंग की मूंग दाल की खिचड़ी आपको दान करनी है। बात करेंगे तुला राशि की, इनका शुक्र है स्वामी, तो इनके लिए पैसों के लिए अच्छा आया है, कहीं ना कहीं इनको करियर में बढ़ोतरी देके जाने वाला है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, न्यू व्हीकल ले सकते हैं आप इस टाइम पे, और आपको जो दान करना है आज के दिन, आपको दही या दूध दान करना है, सिर्फ और सिर्फ दही और दूध, और कुछ मत बनाइए, बस ये दान कीजिए आप, ठीक है। तुला के बाद वाली वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि ये मंगल का स्वामी माना जाता है, मंगल इनके स्वामी है, तो मंगल कहीं ना कहीं लाल रंग से हमारा जुड़ा हुआ है, तो लाल रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं आज आप गुलाबी रंग की दाल दान कर सकते हैं, गुलाबी रंग की आप दाल बना के दान कर सकते हैं, गरीबों को दान करके आइए, अंधों को दान करके आइए। गुलाबी रंग की दाल मसूर की होती है, वो वाली गुलाबी रंग की दाल होती है, वो दान कर सकते हैं आप, लाल मिर्च जो होती है उसका कोई छौक लगा के आप कुछ जाके दान करिए, मतलब बना के, ओवरऑल मैं बना के देके आने की बात हो रही, कच्चा मैं बात नहीं कर रही हूँ, कच्चा करना चाहते हो तो आप वैसे भी अन्न दान कर सकते हो, वो भी शुभ रहेगा आपके लिए, और लाल रंग का तिलक आज के दिन जरूर लगाइएगा। अच्छा, धनु राशि, जी धनु राशि आज पीले कपड़े जरूर पहनिएगा, इनका गुरु ही स्वामी है। अच्छा। और गुरु इनका कहीं ना कहीं आजकल वीक चल रहा है, तो इनको पीले रंग के कपड़े दान करने चाहिए, केला गाय को जरूर खिलाकर आइएगा आज, एक केला आपको गाय को जरूर खिलाना है,
दूसरा आपको जो पीला दान करना है पीले रंग के चावल बना के, जो चावल होते हैं आप पीले रंग के बनाइए, उसके अंदर आप सफेद रंग के तिल डाल दीजिए, वो आप दान करिए आज के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि का तो वैसे ही स्वामी ही हमारा शनि है मकर राशि का, तो आपको दान तो पता ही है क्या करना है, आपको काले रंग के कपड़े दान करने हैं, सरसों का तेल आप दान कर सकते हो, काले तिल दान कर सकते हो, बहुत चीजें, चप्पल दान कर सकते हो किसी गरीब को आज के दिन, आप जिसके पास चप्पल नहीं आप उसको वो दान कर सकते हो। फिर आती है हमारी कुंभ राशि, वो भी मित्र राशि है हमारी शनि की, तो कुंभ राशि भी सरसों का तेल हो गया दान कर सकते हो, ऑलिव ऑयल जिसे बोलते हैं वो आप दान कर सकते हो। दूसरा आज आपको क्या दान करना है, लोहा, किसी का लोहा जो होता है कहीं छोटा लोहा कह सकते हो, कील कह सकते हो, नहीं मिल रहा अगर आपको तो आप कुछ मत कीजिए, आप काले तिल जो होते हैं काले तिल के लड्डू जरूर दान कीजिए आज आप, और भगवान शनि देव को मैं बोलूंगी गुलाब जामुन जरूर चढ़ा कर आइए, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। बात करते हैं मीन राशि की, मीन राशि की हम बात करते हैं, मीन राशि का स्वामी गुरु ही है, तो इनको आज के दिन मैं बोलूंगी ना चंदन से बने हुए पुलाव या फिर खिचड़ी, चंदन से बनी हुई या उसमें थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा खिचड़ी या पुलाव बनाए उसमें चंदन थोड़ा डाल, थोड़ा सा चंदन डाल दे वो आप दान कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पीले रंग की शॉल या पीले रंग के आप वस्त्र किसी पंडित को या अपने गुरु को दान कीजिए, बहुत शुभ रहेगा आज के लिए आपके लिए। चंदन कोई भी लाल और पीला चंदन ही, पीला चंदन क्योंकि गुरु इनके स्वामी है। लाल भी आप डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन चंदन तो चंदन ही है। नहीं आपको मिलेगा तो गुड़ से कर सकते हो, गुड़ के सफेद तिल जो होते हैं उसका कर सकते हो, गुड़ से बनी कोई भी मिठाई का आप दान कर सकते हो, रेवड़ियां भी होती हैं गुड़ से बनी हुई हैं, वो भी सफेद होती है, सफेद काली तो मिली जाती है, तो इजीली आपको अवेलेबल होंगे, वो दान कीजिए, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। मूंगफली दान कर सकते हो, तो ये ओवरऑल आपके लिए 12 राशियों का हाल रहा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आचार्य डॉक्टर अपारुल बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे जुड़ने के लिए, बहुत कुछ आपने बताया जो लोगों को नहीं पता होगा या मन में सवाल उठ रहा होगा कि कब मुहूर्त है, कब पूजा करें, क्या पहने क्या ना पहने, क्या दान दें, किन राशियों के लिए क्या फायदेमंद है, और जिंदगी है उतार चढ़ाव आता रहता है, अगर क्योंकि जब जिंदगी उछाल मारती है सक्सेस आती है तो आप खुश होते हैं, जब जिंदगी डाउन होती है कुछ मुसीबत आती है तो उसमें भी आप कैसे संयम रख के किन भगवान की पूजा करें क्या कैसे करें वो सब कुछ आचार्य डॉक्टर पारुल ने बताया, तो भरसक आप इस पे काम करेंगे और मकर संक्रांति कैसे आपकी किस्मत बदलेगी इस बात को भी आपने जाना और समझा, और इसीलिए इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।